ओके गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग के काफ़ी पॉपुलर सीरीज़ के बारे में। जी हाँ गाइस, मैं यहाँ पे बात करूँगा सैमसंग के एस सीरीज़ के वनियाई 4 अपडेट के बारे में। कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी सारा कंफ्यूज है कि यार एस सीरीज़ के कौन कौन से डिवाइस के अंदर हमें एंड्रॉयड 12 विथ वनियाई 4 की अपडेट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बीटा अपडेट की रिलीज डेट बताऊँगा, और यहाँ पे जो भी लोग स्टेबल अपडेट का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की डिवाइस के अंदर फाइनली 1.4 की अपडेट जो है वो कब तक देखने के लिए मिलेगी। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो सकती है। और गाइस, वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सैमसंग ने ऑलमोस्ट बीटा अपडेट जो है वो अपने फ्लैगशिप के काफी सारे स्मार्टफोन के लिए रिलीज कर दिया, जिसमें आप लोगों को काफी अच्छी फीचर्स देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ रैम प्लस की फीचर भी जो है वो इंक्लूड कर दी गई है। तो यहाँ पे इस सीरीज के यूजर्स जो है वो वेट कर रहे हैं कि यार हमारे डिवाइस के अंदर अपडेट जो है वो कब तक देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से डिवाइस के अंदर अपडेट आने वाली है, तो फर्स्ट पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कौन कौन से डिवाइस के अंदर अपडेट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहला डिवाइस निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी A71, A51, A52, A52 5G एडिशन, A72, A90, A01, A11, A31, A41, A21, A21S, A Quantum, A Quantum 2, A42, A02, A02S, A12, A32, A22। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग के ए सीरीज के इन्हीं कुछ स्मार्टफोन के अंदर 1.4 की अपडेट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। एंड यार, सैमसंग फ्यूचर में कोई भी फोन लॉन्च करता है इंडिया के अंदर तो उसके अंदर भी यहाँ पे एंड्रॉयड 12 विद 1.4 की अपडेट जो है वो मिलने वाली है। एंड गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि इस अपडेट लिस्ट में आप लोगों का डिवाइस इंक्लूड नहीं किया गया है, और आप लोगों के डिवाइस के अंदर सिर्फ 1 मेजर ओएस अपडेट देखने के लिए मिली है। तो कन्फर्म आप लोगों के डिवाइस के अंदर 1.4 की अपडेट जो है वो देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज यार वो जो अपडेट होने वाली है वो सेकेंड मेजर ओएस अपडेट होगी। और सैमसंग का कहना है कि हम अपने मिड रेंज डिवाइस के अंदर कम से कम जो है वो 2 मेजर ओएस अपडेट प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के डिवाइस का नाम इस अपडेट लिस्ट में इंक्लूड नहीं है और आप लोगों को 1 मेजर ओएस अपडेट देखने के लिए मिल चुकी है, तो सेकेंड मेजर ओएस अपडेट देखने के लिए मिलेगी, जो कि यहाँ पे 1.4 होने वाली है। अदरवाइज अगर हम लोग बात करें बीटा अपडेट के बारे में, तो गाइस यहाँ पे बीटा अपडेट जो है वो आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगी। मे बी इस मंथ में बीटा अपडेट सैमसंग के कुछ सेलेक्टेड स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। अदरवाइज अगर हम लोग बात करें स्टेबल अपडेट के बारे में, तो स्टेबल अपडेट के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा वेट, क्योंकि यार आप लोगों को पता होगा कि बीटा 1 जो देखने के लिए मिली थी सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर, उसमें काफ़ी सारा बग्स देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे बीटा सेकेंड के अंदर जो है वो काफ़ी सारे बग्स फिक्स किए गए। और आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे बीटा अपडेट जो होती है वो बेसिकली UI के लिए एक टेस्टिंग पर्पस के लिए रिलीज किया जाता है, तो बीटा अपडेट के थ्रू अपडेट को काफ़ी स्टेबल बनाया जाता है, अगेन यहाँ पे अपडेट को रिलीज किया जाता है। तो अपडेट जो यहाँ पे सैमसंग के डिवाइस के अंदर मिलने वाली है स्टेबल अपडेट, वो यहाँ पे 2022 से मिलना स्टार्ट होने वाला है। तो 1x1 करके सैमसंग के जो मिड रेंज या फिर से प्रीमियम स्मार्टफोन है उनके अंदर भी अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप लोगों को करना पड़ेगा वेट, वैसे यहाँ पे अपडेट रिलीज किया जाता है या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर देना। तो आज की इस न्यू वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।